तो हमारे पास ये बात थी आज से कई साल पहले, जिस तरह ग्रीक फिलासफर्स के मुताबिक कि एटम इज़ इनडिविजिबल पार्टिकल। लेकिन जूं जूं टाइम गुजरता गया, जब हमारे पास एटम को डिफाइन कर लिया गया कि एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, तो अब ये सोचा जाता है, बल्कि ये एक्सपेरिमेंटली भी प्रूव किया जा रहा है कि हमारे पास एटम इज़ डिविजिबल पार्टिकल। इट मीन्स एटम कैन बी डिवाइड। अकॉर्डिंग टू जॉन डाल्टन, एटम इज कंपोज्ड ऑफ मोर देन 100 सब अटोमिक पार्टिकल्स। इसका मतलब है कि एटम बना होता है 100 से ज़्यादा सब अटोमिक पार्टिकल से। और वो हमारे पास सब अटोमिक पार्टिकल्स कौन से हैं? नंबर वन, हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, हाइप्रॉन्स, मेसोटॉन्स, ईटीसी। ये सारे के सारे हमारे पास क्या हैं? सब अटॉमिक पार्टिकल्स हैं। और इसी तरह हमारे पास मोर देन 100 सब अटॉमिक पार्टिकल्स होंगे। और इनमें जो हमारे पास फर्स्ट थ्री सब अटॉमिक पार्टिकल्स हैं, जिस पे हमारे पास एटम का मेजर मास एग्जिस्ट करता है, उनको हम कहते हैं दीज आर बेसिक पार्टिकल्स, या भी दीज आर बेसिक सब अटॉमिक पार्टिकल्स। और इनमें से जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं, इनमें से हमारे पास जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं, ये दोनों के दोनों एग्जिस्ट करते हैं न्यूक्लियस के अंदर। और इन दोनों के सम को हम लोग न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं, और इन दोनों के सम को हम लोग अटोमिक मास भी कहते हैं। जबकि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, वो एग्जिस्ट करता है अराउंड द न्यूक्लियस इन अ कॉन्स्टेंट एनर्जी लेवल। दीज कॉन्स्टेंट एनर्जी लेवल्स आर कॉल्ड शेल्स और ऑर्बिट्स। अब हम बात करते हैं हमारे पास इसके बाद जैकब बर्जीलियस की। जैकब बर्जीलियस एक स्वीडिश साइंटिस्ट था, जिसने केमिस्ट्री के अंदर जे बर्जीलियस, इसने दो काम किए थे। एक, इसने एटम्स को स्टडी करने के लिए या उनके नेम्स को स्टडी करने के लिए सिंबल्स दिए थे। दूसरा, इसने एटॉमिक मास बताया था। एटॉमिक मास को मैं पहले भी डिफाइन कर चुका हूँ, द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक मास। अब बात रहेगी ये सिंबल्स की। एटम्स के सिंबल्स क्या हैं? लाइक दिस, हमारे पास इससे पहले जब हम पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स के एटम्स को डिस्कस करते थे, तो हमें पूरे का पूरा नेम उसका हमें स्टडी करना पड़ता। लाइक दिस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हम पूरा लिखते थे, लेकिन जैकब बर्सीलियस ने इस हाइड्रोजन को इजीली स्टडी करने के लिए इसको एच बोल दिया। बट कुछ ऐसे एलिमेंट भी हैं जो एच से स्टार्ट होते हैं। अब उनको कैसे इससे डिफ्रेंशिएट किया? इसने कहा कि अगर हमारे पास जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको हमने सिंबल देना है, तो उसका हम सबसे पहले उसका फर्स्ट लेटर डिस्कस कर देते हैं। अगर उसके बाद कोई एलिमेंट आता है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका सेकंड जो लेटर है उसको भी हम लोग स्टडी कर सकते हैं। बट इसने कहा कि अगर सेकंड एलिमेंट आएगा, तो उसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल होगा,
और जो सेकेंड लेटर होगा वो हमारे पास स्मॉल होगा। लाइक दिस, हमारे पास हीलियम है, हीलियम एक एटम है, वो भी हाइड्रोजन मींस की तरह एच से स्टार्ट होता है, बट हीलियम के लिए क्या लिखा जाता है, एच ई लिखा जाता है। इसी तरह ढेर सारे एलिमेंट्स हैं जो हमारे पास डिफरेंट लेटर से स्टार्ट होते हैं, तो उनको हम लोग इसी तरह से स्टडी करते हैं। अब बात यह है कि हमने जब इस इतनी स्टडी की है एटम के मतलब, तो हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं कि एटम है, तो हम लोग इसके लिए एविडेंसेस को डिस्कस करते हैं, उसके सबूत देते हैं कि एटम है। अब बात यह है कि हमने जब डिफाइन किया एटम इज अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, जब हम वर्ड यूज कर रहे हैं स्मॉलेस्ट, तो इसका मतलब है कि हम लोग उसको नहीं देख सकते किससे, विद नेकेड आई, हम उसको नहीं देख सकते किससे, विद लाइट माइक्रोस्कोप। अगर हम उसको आम आंख से नहीं देख सकते, लाइट माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते, तो उसको देखने के लिए हमें फिर किसकी ज़रूरत पेश आती है, हम उसको देख सकते हैं, वी कैन सी एटम विद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। हम लाइट माइक्रोस्कोप से क्यों देख सकते हैं, हालांकि वो भी तो हमारे पास माइक्रोस्कोप ही है, बट ये बात है कि लाइट माइक्रोस्कोप में हमारे पास यूज होती है विजिबल लाइट। विजिबल लाइट की हम बात करें तो हमारे पास जिसकी रेंज होती है 400 नैनोमीटर से लेकर 800 नैनोमीटर तक, और वो विजिबल लाइट सिर्फ उन्हीं चीज़ों को देख सकती है जिसकी वेवलेंथ हमारे पास कितनी होती है, लैम्डा इज इक्वल टू, या हमारे पास अप टू या अबव 500 नैनोमीटर होती है। यहाँ पे एक यूनिट यूज़ किया गया है नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10^-9 मीटर। हम एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो एटम है उसको हम नहीं देख सकते नेकेड आई से, लाइट माइक्रोस्कोप से, क्योंकि एटम इज़ अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल। लाइट माइक्रोस्कोप बेसिकली यूज़ की जाती है हमारे पास उन चीज़ों को देखने के लिए जिनकी वेवलेंथ अप टू 500 नैनोमीटर या इससे अबव होती है। अब यहाँ पे एक यूनिट यूज़ हुआ है नैनोमीटर, नैनोमीटर इज इक्वल टू 10^-9 मीटर, लेकिन हम लोग देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से एटम्स, वी कैन सी एटम्स विद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, बिकॉज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर हमारे पास यूज़ होती हैं हाई एनर्जी बीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, बीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब बात यह है कि विजिबल लाइट और बीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन में क्या डिफरेंस है, जो विजिबल लाइट की वेवलेंथ है वो हमारे पास बहुत ज़्यादा होती है किन से, बीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन से। अगर हम दूसरे अल्फाज में कहें तो बीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ वेरी शॉर्टर होती है एज कम्पेयर टू द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट। अब हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन भी बन जाता है कि एटम को हम क्यों नहीं देख सकते लाइट माइक्रोस्कोप से, जबकि हम देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। तो आपने यहाँ पे इसका आंसर देना है कि इन लाइट माइक्रोस्कोप हमारे पास जो यूज़ होती है वो विजिबल लाइट होती है जिसकी वेवलेंथ हमारे पास बहुत ज़्यादा होती है, जबकि इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हमारे पास बीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती हैं जिनकी वेवलेंथ वेरी शॉर्टर होती है एज़ कम्पेयर टू वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट। अब हम बात कर रहे हैं हमारे पास एटम्स को डिस्कस करने के लिए क्या क्या क्या, एक स्टडी की गई किस पे, ग्रेफाइट पे। ग्रेफाइट को जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से स्टडी किया गया तो इसका एक स्पेक्ट्रा बन रहा था जिसके अंदर ब्रॉड बैंड्स आ रहे थे, और वो ब्रॉड बैंड्स किसको एक्सप्लेन कर रहे थे, एटम्स ऑफ कार्बन को, एटम्स ऑफ कार्बन को एक्सप्लेन कर रहे थे, जिससे हमें पता चला कि एटम कैन बी एग्जिस्ट। अब हमारे पास उसके बाद इन 20th सेंचुरी
एक्सरेज स्टडी की गई। एक्सरेज स्टडी से हमें पता चला कि एटम का डायमीटर होता है, और वो जो डायमीटर कैलकुलेट किया गया वो हमारे पास आ रहा था 2×10⁻¹⁰ मीटर। और हम लोग जानते हैं कि हमारे पास जो 10⁻¹⁰ मीटर होता है वो इक्वल होता है 1 एंगस्ट्रॉम के। हम लोग लिख सकते हैं कि हमारे पास ये जो 2×10⁻¹⁰ मीटर है, इसको हम लोग 2 एंगस्ट्रॉम भी लिख सकते हैं। अगर हम इसको मजीद एक एंगस्ट्रॉम यूनिट या 10⁻¹⁰ मीटर से किसी और यूनिट के अंदर कन्वर्ट करना चाहें तो हम लोग देखें तो हम इसको लिख सकते हैं 0.2×10⁻¹⁹ मीटर। और हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि जो नैनोमीटर होता है वो इक्वल होता है 10⁻¹⁹ मीटर के। तो हम 10⁻¹⁹ मीटर इक्वल होगा किसके, हमारे पास 1 नैनोमीटर के। तो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं कि को लिख सकते हैं 0.2×10⁻¹⁹ मीटर इज इक्वल टू 0.2 नैनोमीटर। यहाँ पे हमने जो ये वैल्यूज़ डिस्कस की हैं इनके मतलब पेपर में MCQ आता होता है कि द डायामीटर ऑफ एन एटम, आगे हमारे पास ऑप्शन आ जाते हैं, ऑप्शन ए 2×10⁻¹⁰ मीटर, ऑप्शन बी 0.2×10⁻¹⁹ मीटर, ऑप्शन सी 0.2 नैनोमीटर एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो हम लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, हमने जब ये सारे के सारे स्टडी किए होंगे तो हमें पता होगा कि ये सारे के सारे ऑप्शन ए बी सी तीनों के तीनों ऑप्शन ठीक हैं। तो हम लोग ऑप्शन डी पे जाएंगे जहाँ पे हमारे पास लिखा होगा ऑल ऑफ दिस, तो हम ऑल ऑफ दिस पे टिक कर देंगे। अब हम बात कर रहे हैं, जब हम लोगों ने ये बात की कि जो एटम है स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, इतना छोटा पार्टिकल है जिसको हम आँख से नहीं देख सकते, जिसको देखने के लिए हमें ज़रूरत पेश आती है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की, तो हम उसकी डायरेक्ट मैसेज भी डिस्कस नहीं कर सकते। वो इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट जो हमारे पास लेक्चर्स होंगे उसके अंदर रिलेटिव एटॉमिक मैसेज को डिस्कस करेंगे। वहाँ पे हम ये डिस्कस कर सकते हैं कि हम किस तरह उन एटम्स के एटॉमिक मैसेज मालूम कर सकते हैं। बट यहाँ पे हमें पता ये चला कि हमारे पास इनकी मैसेज भी होती हैं, और वो हमारे पास मैसेज कितनी होती हैं जो कैलकुलेट की गई वो कितनी थी 10⁻²⁷ से लेकर 10⁻²⁵ केजी तक। अब ये केजी क्या किलोग्राम है, अगर हम लोग इसको ग्राम्स में कन्वर्ट करें तो हमारे पास लिखी जा सकती हैं 10⁻²⁴ से लेकर 10⁻²⁰ ग्राम्स तक। क्यों, हम जानते हैं कि हमारे पास जो 1 केजी है वो इक्वल होता है हमारे पास 1000 ग्राम के। बिकॉज हम बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जा रहे हैं तो हम इन वैल्यूज़ को क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं किसके साथ, 1000 के साथ। अगर 1000 का लिखें तो हम लोग लिख सकते हैं दैट शुड बी इक्वल टू 10³ ग्राम। तो हम लोग जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये माइनस का साइन है तो ये प्लस का साइन होगा, तो प्लस माइनस माइनस होता है, 27 में से 3 निकाल दे तो हमारे पास -24 बचेगा, अगर -25 में से 3 निकाल दे तो हमारे पास -22 ग्राम बचेगा। अब माइनस साइन क्यों आया है, क्योंकि हम जानते हैं जब प्लस माइनस होता है तो हम साइन उस वैल्यू का लगाते हैं जो हमारे पास कंपैरेटिवली बड़ी होती है। अगर मैं आखिर में बात करें तो हमारे पास क्या है मैसेज जो एटम की हम डिस्कस कर रहे हैं, इसके लिए एक यूनिट यूज़ किया जाता है जिसको हम कहते हैं AMU। AMU बेसिकली एक हमारे पास एब्रिविएशन है एटॉमिक मास यूनिट, और ये हमारे पास 1 AMU इक्वल होता है 1.661×10⁻²⁷ kg के, -27 kg के। अगर हम इसको ग्राम्स में कन्वर्ट करना चाहें तो हम लोगों को पता है कि 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, सो हम लिख सकते हैं 1 AMU इज इक्वल टू 1.661×10⁻²⁴ ग्राम्स। एटम इज अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन नॉट बी सी विद नेकड आई। ये तो डॉट हमें नेकड आई से नज़र आ रहा है, क्या ये एटम है, नो ये एटम नहीं, एटम्स हैं। और इस डॉट के अंदर कितने एटम्स हैं,
अप्रॉक्सीमेटली 2 मिलियन एटम्स हैं, अप्रॉक्सीमेटली एक डॉट के अंदर 2 मिलियन एटम्स हैं। ये हमारे पास पहला टॉपिक है फर्स्ट चैप्टर का, बेसिक कॉन्सेप्ट का, जिसका हम इंट्रोड्यूस करवा रहे थे एटम। और इसके अंदर हमने ये सारी बातें की हैं कि एटम की अर्ली हिस्ट्री क्या है, एटम क्या है, एटम एग्जिस्ट किन किन सब एटॉमिक पार्टिकल्स पे करता है, और इसकी एविडेंसेस क्या हैं, और जिनके अंदर हमने ये सारी की सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। थैंक यू सो मच।